वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। आज अगर हम लोग डिस्कस करेंगे डिपोजिशन मेथड का कि कौन से मेथड होते हैं जब हम यूज करते हैं मेटलाइजेशन में। और हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि जो मेटलाइजेशन प्रोसेस होता है, मेटलाइजेशन प्रोसेस बेसिकली हम यूज करते हैं कनेक्शन के लिए। हम सिंपली कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन परफॉर्म करते हैं मेटलाइजेशन के थ्रू। अब हमने कहा था कि जो मेटलाइजेशन होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। एप्लीकेशन बेस्ड में दो टाइप का एप्लीकेशन था, एक तो ओमिक कॉन्टैक्ट मेटलाइजेशन था और दूसरा हमारा जो मेटलाइजेशन था वो गेट मेटलाइजेशन था, गेट मेटलाइजेशन था। तो अब अगर हम बात करें दोनों की, ओमिक मेटलाइजेशन और गेट मेटलाइजेशन में, तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम बात करते हैं गेट मेटलाइजेशन की, ओमिक मेटलाइजेशन के केस में, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फैब्रिकेशन कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का हम इंटरकनेक्शन करते हैं इस केस में, मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी करते हैं पोर्ट्स का या जंक्शन का। तो इस केस में जब हम बात करेंगे तो जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है वो हमारे पास मेटल होगा। सिंपली हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, इस पर हमने बहुत पहले ही फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि क्यों हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं फॉर्मेशन में। तो इस केस में जब हम कहेंगे कि ओमिक कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस केस में बेसिकली हम जो यूज करेंगे वो मेटल का यूज करेंगे फॉर्मेशन में। और जब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड का, सेकेंड मेथड में जब हमने कहा कि गेट मेटलाइजेशन की बात करते हैं, तो गेट मेटलाइजेशन के केस में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब हम मॉस डिवाइसेस का फैब्रिकेशन करते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, तो उससे हम गेट का फॉर्मेशन करेंगे। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है कि जब हम बात करते हैं गेट मेटलाइजेशन का, तो उस केस में जो हमारे पास सोर्स मटेरियल होता है वो मेटल ना होकर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, और जबकि हम जब ओमिक कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं मेटेलिक यूज करते हैं। तो उस केस में हमने सिंपली एल्यूमिनियम का यूज किया था ओमिक के केस में, और जब हम बात करते हैं जो है गेट मेटलाइजेशन के केस में, तो उस केस में हम सिंपली पॉलीसिलिकॉन का यूज करते हैं फॉर्मेशन के लिए। अब अगर इसके बाद हम बात करें, फिर हमने बात किया था कि स्टेप फॉर मेटल डिपोजिशन, तो स्टेप फॉर मेटल डिपोजिशन की बात की तो हमने कहा था कि जो मेथड, जो भी स्टेप फॉर्मेशन होता है, स्टेप फॉर डिपोजिशन, स्टेप फॉर डिपोजिशन वो थ्री स्टेप का प्रोसेस था। पहला स्टेप था कि जो हमारे पास इनपुट मटेरियल है या सिंपली सोर्स मटेरियल है, सोर्स जो हमारे पास मेटल है उसको हम क्या करते हैं सॉलिड से गैसियस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मटेरियल है या जो मेटल है उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वेफर पर। और थर्ड या लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास गैसियस, या हम यहाँ पे वेपर भी कह सकते हैं, जो गैसियस वेपर फॉर्मेट मेटल का है उसका कंडेंसेशन परफॉर्म करते हैं। सिंपली टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, हम कहते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होगा और यहाँ से लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, थिन फिल्म क्रिएशन। थिन फिल्म, तो ये डिपोजिशन मेथड या डिपोजिशन स्टेप है। तो अगर हम डिपोजिशन की बात करेंगे तो ये कोई सा भी मेथड होगा, ये कॉमन या जनरल मेथड होता है डिपोजिशन की बात करेंगे जब हम, तो डिपोजिशन बेसिकली थ्री स्टेप का प्रोसीजर होगा। तो हम अगर पहले स्टेप की बात करें तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास सोर्स मटेरियल होता है वो सोर्स मटेरियल मेटल है। तो जो सोर्स मटेरियल मेटल है
वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और सॉलिड फॉर्म में क्या हम डायरेक्ट फॉर्मेशन कर पाते हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सोर्स मटेरियल है, ये इनिशियल जो सॉलिड स्टेट में है, इसको हमारा पहला स्टेप होता है कि इसको गैसियस या वेपर फेज में कन्वर्जन। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इनिशियली इसको गैसियस या वेपर फेज में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास जो सोर्स मटेरियल या इनपुट सोर्स है या जिससे मेटलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो ये है। पहले सॉलिड था, अब गैसियस या वेपर फॉर्मेट में आ गया। जब एक बार हम इसको गैसियस या वेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको हम कैरी करते हैं। कैरी कर करने का सिंपल मतलब कि ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको हम वेफर पर। तो जो नेक्स्ट स्टेप है कि जो ये हमारे पास सोर्स मटेरियल है, जो मेटल है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सोर्स या वेपर फॉर्मेट में, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं वेफर पे। ट्रांसपोर्ट करने का सिंपल मतलब कि अब हम वेफर पे इसको प्लेस्ड कर रहे हैं, वेफर तक इसका फ्लो करवाते हैं। तो जब एक बार हम इसको जो हमारे पास चैम्बर होगा या जो हमारे पास फर्नेस होगा, फर्नेस में हम जो है सोर्स या गैसेस या वेपर फॉर्मेट में मेटल को जो है ट्रांसपोर्ट कराएंगे या फ्लो करवा देंगे, तो ये सरफेस पे आके कलेक्ट होगा। एक बार ट्रांसपोर्ट हो गया तो सरफेस पे कलेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है जिसमें हम कहते हैं कि फिल्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो हमारे पास सॉलिड या वेपर फॉर्मेट में मेटल है, वो हमारा जो है कंडेंसेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा। कंडेंसेशन प्रोसेस का सिंपल मीनिंग है कि अब इसमें टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो जो ये गैसियस या वेपर फॉर्मेट में है, ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हम कहते हैं सिंपली यहाँ पे लिखिए, हम टी एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि इस केस में टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, और टेम्परेचर ड्रॉप होकर वो वेपर या गैसियस फॉर्मेट से सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और जब ये प्रोसीजर फॉलो हो जाता है, तो हमारा जो थिन फिल्म लेयर क्रिएट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा जब हम कहते हैं कि जब हम कभी भी डिपोजिशन की बात करेंगे या हम कहते हैं कि हम मेटलाइजेशन की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मेथड का। ये तो कॉमन प्रोसीजर है कि कैसे हम डिपोजिशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो अब हम अगर डिपोजिशन मेथड की बात करें, तो हमें दो डिपोजिशन मेथड पढ़ना है यहाँ पे। डिपोजिशन मेथड में एक हमारा वैक्यूम इवेपोरेशन टेक्निक है और दूसरा हमारा स्पूटरिंग टेक्निक है। एसेंशियली वी हैव द टू मेथड फॉर द मेटल डिपोजिशन बाय द फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक। ये होगा वैक्यूम इवेपोरेशन और दूसरा होगा स्पूटरिंग मेथड। तो अगर हम मेथड डिपोजिशन की बात करें, तो बेसिकली जो हम फर्नेस यूज करेंगे या जो टेक्निक यूज करेंगे, वो फिजिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस की बात करेंगे। तो अगर हम फिजिकल वेपर डिपोजिशन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इसका सिंपल मीनिंग यहाँ से ये निकलता है कि जो ये भी प्रोसेस है, ये पूरा फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये नॉन केमिकल प्रोसेस है, नॉन केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है। नॉन केमिकल प्रोसेस है मतलब इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं इन्वॉल्व होंगी, या हम सिंपली कहते हैं कि जो है कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं इन्वॉल्व होंगे जब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे। जो भी होगा सिंपली सरफेस भी वो कलेक्ट होगा और कलेक्ट होकर वो लेयर का फॉर्मेशन कर देगा विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। अब हम पीवीडी की बात करें या फिजिकल वेपर डिपोजिशन की बात करें, तो जो हम पीवीडी टेक्निक की यूज करेंगे, तो पीवीडी या फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक में दो चीजें हमको पढ़ना है। एक तो हमारा होता है वैक्यूम इवेपोरेशन टेक्निक और दूसरा हमारा स्पूटरिंग टेक्निक। तो अगर वैक्यूम इवेपोरेशन और स्पूटरिंग टेक्निक पे जाने से पहले हम ऐसे बेसिक बताते हैं थोड़ा सा कि अगर हम वैक्यूम इवेपोरेशन टेक्निक की बात करते हैं, तो वैक्यूम इवेपोरेशन टेक्निक में हमारे पास ये पूरा प्रोसीजर ऐसा ही होगा। इस केस में भी हमारे पास पहले हम जो वहाँ पे वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर देंगे, वहाँ पे हमारे पास पंप का सेट होगा, कॉम्बिनेशन होगा पंप्स का। पहले हम रफ वैक्यूम क्रिएट करेंगे, फिर हाई प्रेशर वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास जो सोर्स मटेरियल होगा गैसेस या सॉलिड फॉर्म में, उसको ये ऑपरेट कर देंगे और वो जाके सरफेस पे कलेक्ट होगा, फिर उसमें टेम्परेचर ड्रॉप होगा और टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब इस केस में अगर हम बात करें, तो बेसिकली जो हमारे पास मेटल होगा या सोर्स मटेरियल है, वो गैसेस या वेपर फॉर्मेट में ये ऑपरेट होके
सरफेस पे कलेक्ट होकर फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर हम स्पूटरिंग टेक्निक की बात करते हैं तो इस स्पूटरिंग टेक्निक में क्या होगा कि इस केस में बेसिकली जो होगा उस केस में, और स्पूटरिंग टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो स्पूटरिंग टेक्निक में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास सोर्स मटेरियल होता है, सोर्स मटेरियल का हम क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करवा देते हैं, तो वो सरफेस पे कलेक्ट होगा और सरफेस में कलेक्ट होके वो सिंपली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। तो हमारे पास दो मेथड हो गए हैं जिसे हमें डिटेल में डिस्कस करना है। एक तो हमारा वैक्यूम इवेपोरेशन टेक्निक हो गया और दूसरा हमारा जो है स्पूटरिंग टेक्निक हो गया। तो अब हम फर्स्ट डिपोजिशन मेथड की बात करते हैं, फिर जो है हम बात करेंगे जो है स्पूटिंग टेक्निक का। तो अगर हम बात करें इवेपोरेशन टेक्निक का तो ये पूरा वो डिपोजिशन चैम्बर है जब हम फॉर्मेशन करते हैं, अभी हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारे पास पूरा सिस्टम है, ये प्रोसेस चैम्बर है पूरा, ये पूरा जो है ये प्रोसेस चैम्बर है जहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा मेटलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर देंगे हम, और उसके बाद जो है हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट करने के बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और ये ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद जो है कलेक्ट होगा, वो कलेक्ट होके लेयर क्रिएट। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट हम प्लेस कर देते हैं। तो ये ऐसा कुछ पूरा सिस्टम है कि जहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का सिंपल मतलब है वो आईसी जिस पे हम इंटरकनेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और ये हमारे पास सोर्स मटेरियल है एल्यूमिनियम, मतलब सिंपली सोर्स। हमने कहा था कि जब हम बात करते हैं तो हम सोर्स मेटल का यूज़ करते हैं, सोर्स में सिंपली एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं जब हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, इस पे ई बीम फोकस कर देंगे एल्यूमिनियम पे, सोर्स पे। जब हम ई बीम फोकस करते हैं ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद जो है हम हाई प्रेशर वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर देंगे और बीम फोकस करेंगे। मेल्ट होने के बाद ये यूऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यूऑपरेट होने के बाद ये आके जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है उनके सरफेस पे कलेक्ट होगा, यहाँ से ऐसे फ्लो हो जाएगा ये, और कलेक्ट होने के बाद क्या करता है ये लेयर क्रिएट कर देगा। लेकिन ये सब करने से पहले हमारे पास पूरा ये पूरा सेट होगा। यहाँ पे हमने देखा कि जो है हाई वैक्यूम वॉल्व है, और इसके बाद ये क्रायो ट्रैप है, हाई वैक्यूम पंप है, और ये हमारे पास रफ वैक्यूम पंप है। ये वॉल्व है जो कनेक्टेड है, और ये जहाँ इनिशियल हम इंसर्ट करते हैं या जो मटेरियल सोर्स मटेरियल फ्लो करवाते हैं इसके थ्रू, और एक एग्जॉस्ट है। जब एक बार फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम क्या करते हैं कि जो गैस इसमें रहेंगी उसको हम इसके थ्रू पाइप के थ्रू बाहर कर देते हैं। तो जब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हम प्लेस्ड करते हैं विदाउट ये सब प्रोसीजर इवेपोरेशन के पहले, सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप होता है ये यहीं से स्टार्ट होता है, ये रफिंग पंप का। रफिंग पंप सिंपली क्या करेगा, यहाँ पे हम वाल्व को ओपन कर देंगे तो ये जो पूरा चैम्बर होगा, यहाँ पे चैम्बर में हमारा जो रफ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और जब रफ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा फिर हम इस वॉल्व को बंद कर देते हैं। यहाँ पे जो वॉल्व है इसको हम क्लोज कर देंगे, ये पूरा सेक्शन क्लोज हो जाएगा। उसके पहले ये यहाँ पे जो ये वॉल्व होगा हाई वैक्यूम वॉल्व, ये क्लोज रहता है,
इनिशियल स्टेज पर। अब ये वॉल्व हम क्लोज कर देंगे और इस वॉल्व को ओपन कर देंगे, मतलब ये यहां से ऐसे हो जाएगा। अब जो ये पूरा कॉम्बिनेशन होगा हाई क्रायो टैप का, हाई वैक्यूम पंप, ये पूरा तीनों एक साथ, इनका जो मेन काम होता है कि जो यहाँ पे हमने रफ वैक्यूम कंडीशन जनरेट किया है वहां पे क्या करना है कि हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट करना है। तो अब जो रफ वैक्यूम कंडीशन जनरेट होगा इन तीनों के थ्रू क्या होता है, हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट हो जाएगा। और एक बार जब हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट हो जाता है उसके बाद फॉर्मेशन का प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। फिर अब हमारे पास ई बीम होगा, ई बीम हमारे पास जो सोर्स मटेरियल होगा, सोर्स मटेरियल पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ये इस मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद जो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये सरफेस पे कलेक्ट होगा, सरफेस पे कलेक्ट होके लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये पूरा इसका फॉर्मेशन होगा, अभी हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग चलते हैं वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे ये मेंशन है। तो अब हम कहते हैं कि वैक्यूम इवेपोरेशन टेक्निक की बात करते हैं, तो वैक्यूम इवेपोरेशन टेक्निक बेसिकली पूरा प्रोसीजर वही है जो हमने अभी इनिशियल डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं कि इनिशियल जो हमारे पास मटेरियल होगा उसको हम वेपर या गैसेस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, उसको इवेपोरेट कर देंगे, सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा और सरफेस पे कलेक्ट होके लेयर क्रिएट कर देता है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें, इनिशियली वी हैव सब्सट्रेट व्हिच इज केप्ट एट लोअर टेम्परेचर। तो अब हम स्टार्टिंग पोजीशन की बात करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो इनिशियल कंडीशन होगा, इनिशियल कंडीशन में जो हमारा सब्सट्रेट मटेरियल है, सब्सट्रेट मटेरियल का जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम रखते हैं। क्यों? कि अगर हम इसका टेम्परेचर ही इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑटो डोपिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से इनिशियली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सब्सट्रेट होगा, सब्सट्रेट के टेम्परेचर को हम मिनिमम कर देते हैं। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, सोर्स मेटल इज प्लेस्ड एट ए हीटर, मतलब ये प्रोसीजर है, ये हमारे पास सोर्स मेटेरियल है, यहाँ पे हीटिंग सिस्टम होगा, यहाँ पे हम सोर्स मटेरियल को प्लेस्ड करते रहे। देन वी हीट द मेटल सोर्स एंड द मेटल फॉर्म द वेपर। अब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे है ये सोर्स मटेरियल, सिंपली हम एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं, तो अब हम टेम्परेचर को इसके इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म से गैसियस या वेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एज सब्सट्रेट इज एट द लोअर टेम्परेचर इज कंडेंस द वेपर ऑन द सब्सट्रेट। अब अगर वही हमने कहा कि अब जो हमारा सोर्स है वो लोअर टेम्परेचर पे है तो ये इवेपोरेट होके सोर्स पे सब्सट्रेट मटेरियल पे कलेक्ट होता है, कलेक्ट होकर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि वहां पर टेम्परेचर उसका मिनिमम होता है और लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है यहाँ पे। फिर उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा, ई बीम टेक्निक इज यूज्ड इफ द मेटल हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम बात करते हैं ई बीम की बात करते हैं, टेक्निक की बात करें, तो इस केस में क्या होता है कि हम जो है ई बीम का यूज करते हैं। ई बीम टेक्निक का यूज करने का मेन सेंस कि हमारे पास जो सोर्स मेटल है, अब अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के केस में ये इजिली क्या होता है, वेपर या गैसेस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हीटर के बजाय हम क्या करते हैं, ई बीम का यूज करते हैं, जिससे हम क्या करें इसको इजिली जो है वेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। ये पूरा सिस्टम है, इसमें लिखा है वैक्यूम इवेपोरेशन चैम्बर फॉर द मेटल डिपोजिशन प्रोसेस। तो ये पूरा डिपोजिशन प्रोसेस है जो हमने डिस्कस किया, अभी हम इस पे फिर से आते हैं, बैक आ जाएंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे बात कर रहा है, वैक्यूम इवेपोरेशन चैम्बर फॉर द मेटल डिपोजिशन इज शोन इन द प्रीवियस स्लाइड।
अब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि जो हमारे पास वैक्यूम इवेपोरेशन चैम्बर है कैसे जो है हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। चैम्बर हैज गैस एट द एयर इनलेट, तो यहाँ पे हमारे पास चैम्बर में जो है इनलेट होगा या गैस इनलेट है, ये यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है। वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ पंप, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे ढेर सारे पंप्स यूज हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पंप्स का मतलब हमारे पास दो पंप्स हो जाएंगे, एक तो हमारे पास रफिंग पंप होगा और दूसरा हमारे पास क्या है हाई वैक्यूम पंप। तो ये सिंपली कॉम्बिनेशन वही बात करता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पंप्स। और हमने पहले कहा था कि पहले हम रफ वैक्यूम कंडीशन जनरेट करेंगे उसके बाद हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट करते हैं। रफिंग पंप इज यूज्ड टू क्रिएट द रफ वैक्यूम, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो पहला हमारा स्टेप होता है वो रफ वैक्यूम कंडीशन जनरेट करना है। तो रफिंग पंप को हम ऑन कर देते हैं और जो इस केस में जो है रफ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा, इस वॉल्व को हम ओपन कर देंगे और ये वॉल्व क्रिएट होगी। तो ये जो पूरा चैम्बर होगा, इस पूरे चैम्बर में हमारा रफ वैक्यूम कंडीशन जनरेट हो जाता है। हाई वैक्यूम पंप अलोंग विद द क्रायो ट्रैप एंड फोर्स पंप इज यूज्ड टू क्रिएट द हाई वैक्यूम कंडीशन। एक बार हमने जब यहां पर रफ वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर दिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस वॉल्व को हम क्लोज कर देंगे और यहां पे हाई वैक्यूम वॉल्व को ओपन कर देंगे। तो ये क्रायो टैप और हाई वैक्यूम कंडीशन एक साथ कंबाइन होके जो हमारे पास रफ वैक्यूम कंडीशन था उसको रिप्लेस कर देते हैं हाई वैक्यूम कंडीशन से। सोर्स मेटल इज प्लेस्ड इनसाइड चैम्बर, अब हमारे पास यहाँ पे ये सोर्स मेटल है, ये पूरा चैम्बर है, तो यहाँ पे हम सोर्स मेटल प्लेस कर देंगे। सोर्स मेटल जनरली हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, इसके बाद हम इस पे बीम फोकस कर देंगे। व्हेन वी ओपन द इनलेट वॉल्व एंड रफिंग वॉल्व, द रफिंग पंप क्रिएट द रफ वैक्यूम, मतलब वो इनिशियल बात कर रहा है कि जब हम जो है इनलेट वॉल्व और जो है रफ वॉल्व को ओपन करते हैं, मतलब पंप को ओपन करेंगे, तो उस केस में हमारा जो रफिंग वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा इनिशियल स्टेज पे। आफ्टर द रफ वैक्यूम हैज बीन अचीव ओपन द हाई वैक्यूम वॉल्व, जैसा कि हमने कहा कि पहले हम इसको ओपन करेंगे इन दोनों को, तो इस केस में हम रफिंग वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, उसके बाद हम इसको क्लोज करके ये हाई वैक्यूम वॉल्व को ओपन कर देंगे, तो इससे जो होगा हमारा हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये नाउ द सबस्ट्रेट इज हीटेड स्लाइटली, अब इस केस में हम जो क्या करेंगे कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है, ये सबस्ट्रेट मटेरियल को हम क्या करते हैं हीटअप करते हैं, लेकिन एक्सिस में अभी बता दो हीटअप तो हम करते हैं लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे जो सबस्ट्रेट का होगा वो मिनिमम होता है। एंड फाइनली द मेटल इज इवेपोरेटेड सो दैट द मेटल डिपोजिशन कैन Take place. अब जब हम यहां से हीटिंग प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं यहां पे, उसके बाद जो है ये तो हीटिंग करेंगे हम सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए भी मिनिमम टेम्परेचर ही हम मेंटेन किए रहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम को हम क्या करते हैं हीटअप करते हैं, और जब हम इसको हीटअप करते हैं तो यहां से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये भी हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, सोर्स मटेरियल का अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मतलब कि उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, उसको गैसियस या वेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है मुझे अगर करने के लिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो हम हीटर का यूज करते हैं तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे ई बीम से, जिससे जो हमारा इवेपोरेशन या कन्वर्जन है सॉलिड से गैसियस या वेपर फॉर्मेट में वो हो जाता है, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट के केस में जो हमारे पास हीटर है वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता। सो देयर आर द फोर बेसिक स्टेप इन इवेपोरेशन टेक्निक, तो यहाँ पे हम कहते हैं अगर बात करते हैं कि हमारे पास चार बेसिक टेक्निक होती हैं जब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो
ये चार जो बेसिक टेक्निक होती हैं, ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन है। अगर हम इवैपोरेशन टेक्निक की बात करते हैं तो ये पूरा स्टेप यहाँ पे फुलफिल या फॉलो होगा। पहला होगा क्रिएट द रफ वैक्यूम, दूसरा क्रिएट द हाई वैक्यूम, हीट द सबस्ट्रेट और इवैपोरेशन ऑफ मेटल। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रफ वैक्यूम क्रिएट कर देंगे और उसके बाद हाई वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, उसके बाद सबस्ट्रेट को हीटअप करेंगे और इवैपोरेशन मेटल का कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। एक बार हम फिर से इस पे डिस्कशन कर लेते हैं डायग्राम के साथ में और उसके बाद इसको हम यहीं पे चैप्टर इसका क्लोज कर देंगे। तो हमने कहा कि जो ये पूरा प्रोसीजर है ये फोर स्टेप का प्रोसीजर है। पहला हम क्या करते हैं कि रफ वैक्यूम कंडीशन जनरेट करते हैं, आरवीसी लिख दे रहे हैं, और उसके बाद दूसरा जो प्रोसीजर होता है हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट करना, और उसके बाद जो है हमारे पास तीसरा स्टेप होता है सबस्ट्रेट को हीट अप करना, और फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं इसको इवैपोरेशन इसका कर देते हैं। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चैम्बर होगा, चैम्बर में ये पूरा वॉल्व क्लोज रहेगा। पहले स्टेप में ये हाई वैक्यूम वॉल्व क्लोज हो जाएगा, हम केवल जो इनपुट है ये वॉल्व ओपन करेंगे और जो है इसके थ्रू हम सबस्ट्रेट को प्लेस कर देंगे और यहाँ पे हम जो रफ वैक्यूम वॉल्व ओपन कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जब हम ये दोनों ओपन कर देंगे, इनपुट इनलेट गैस वॉल्व और जो रफिंग वॉल्व, और उसके बाद जो हमारा रफ पंप होगा इसको हम ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो चैम्बर होता है वो रफ वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर देगा पहले स्टेप में। एक बार जब हम रफ वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, हमें क्या करना होता है हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट करना होता है। तो उस केस में हम जो रफ वॉल्व है इसको हम क्या करेंगे, क्लोज्ड कर देंगे, और हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हाई वैक्यूम है इस वॉल्व को हम ओपन कर देंगे, इस वॉल्व को ओपन कर देंगे। उसके बाद क्रायो टैप और जो हाई वैक्यूम पंप है इसको हम ऑन कर देते हैं। जब हम क्रायो टैप हाई वैक्यूम कंडीशन ऑन कर देंगे तो जो हमारे पास पहले ऑलरेडी रफ वैक्यूम कंडीशन जनरेट था वो रिप्लेस हो जाता है हाई वैक्यूम कंडीशन से। अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, हाई वैक्यूम कंडीशन। तो हम सेकंड स्टेप भी फॉलो कर लिए, अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा उसको हम हीट अप करते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हीट अप करेंगे वो मिनिमम टेम्परेचर रखेंगे। अब उसके बाद जो हमारे पास सोर्स होता है, फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं इवैपोरेशन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सोर्स मेटल जो होगा सोर्स मेटल को हम हीट अप करेंगे, और जब हम सोर्स मेटल को हीट अप करते हैं तो इसको ये इनिशियल सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट से ये जो हम वेपर या जो है गैसियस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही कन्वर्ट होगा इसमें इवैपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमने अभी यहाँ पे मैं फिर से बता रहा कि अगर जो सोर्स मेटल है एल्यूमिनियम के बजाय हम कोई और मेटल यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो इसमें हम हीटर के बजाय ई बीम का यूज कर लेंगे जिससे हम इसका इजिली मेल्ट इसको मोल्टन या इसको हम इजिली गैस या वेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अब एक बार जब इवैपोरेशन हो जाएगा यहाँ पे तो उसके बाद क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट मटेरियल है वहाँ पे हमारे पास वेपर या गैसेस फॉर्मेट में जो सोर्स मेटल है वो आके कलेक्ट होगा और कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन प्रोसेस सिंपली मतलब कि टेम्परेचर जो है उसमें डाउन होगा, कूलिंग प्रोसेस होगा, और वो क्या हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब कि एक थिन फिल्म मेटेलिक क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट मटेरियल को चैम्बर से बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद हम ईचिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिससे हम क्या करते हैं सिलेक्टिवली कुछ पोर्शंस को रिमूव कर देंगे और हमारा जो मेटलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसीजर होता है वो मेटलाइजेशन का होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड मेथड की बात करेंगे, स्पूटिंग टेक्निक का, और फर्दर आगे सिलेबस को कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू।